नमस्कार दोस्तों, ये उद्धव ठाकरे इतना विचलित क्यों हैं, इतने घबराए हुए क्यों हैं? सामना में इंटरव्यू छपा है, सामना उनका अपना अखबार है, संजय राउत ने इंटरव्यू लिया है। संजय राउत इससे पहले शरद पवार का इंटरव्यू ले चुके हैं, जो 3 किस्तों में छपा था, बड़ा भारी भरकम इंटरव्यू था। और पूरा जिस्ट अगर निकालें तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि शरद पवार कहना क्या चाहते थे और क्यों कहना चाहते थे, किस किस को उन्होंने खुश करने की कोशिश नहीं की और किस तरह की बयानबाजी इंटरव्यू में नहीं की। अब नंबर उद्धव ठाकरे का था, वैसे तो उल्टा होना चाहिए था, उद्धव ठाकरे का संजय राउत को पहले इंटरव्यू देना चाहिए था, शरद पवार का बाद में देना चाहिए था। लेकिन चलिए, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की ऐसी ही मंशा हो कि पहले शरद बाबू का इंटरव्यू आप दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा। अब देखना ये है कि इस सरकार में जो तीसरा पक्ष है यानी कांग्रेस, उसकी लीडरशिप का भी इंटरव्यू सामना में आता है या नहीं आता है। आमतौर पर तो ये एक धारणा रही है सामना के बारे में कि सामना में ठाकरे परिवार के जो मुखिया होते हैं, शिवसेना के जो मुखिया होते हैं, उनके अलावा किसी का इंटरव्यू वगैरह आता नहीं है। पर यह पहली बार है और पहली बार बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। पहली बार ये घटना भी हो रही है कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चीफ मिनिस्टर बना है, किसी संवैधानिक पद पर है। इससे पहले कोई बाला साहब भी कभी नहीं रहे, उसके बाद भी कोई नहीं बना। पर इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़वा दिया, उनको विधायक बनवा दिया। और जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के करीब नहीं है, निर्दलियों के छोटे दलों के सहयोग से भी वो सरकार नहीं बना सकती है, तो फिर मुख्यमंत्री पद की शर्त उनके सामने रख दी। भले ही 56 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने माना नहीं। नतीजा ये हुआ कि NCP और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली, उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। अब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ ही समय बाद, 3-4 महीने बाद ही ये कोरोना वायरस आ गया। इसने तो उनकी नींद हराम कर दी है और उनके नेतृत्व पर, उनकी सूझबूझ पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 4.25 लाख कोरोना संक्रमित पहुंच चुके हैं और इनमें 1,48,601 तो अभी सक्रिय हैं, 13,656 की डेथ हो चुकी है। अकेले मुंबई में 6,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, अकेले मुंबई में 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 22,000 से ज़्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था सामना में प्रकाशित उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की। उन्होंने चुनौती वाले अंदाज में ये कहा है कि अगर मेरी सरकार गिरानी है तो अभी गिरा करके दिखाएं। कुछ पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने, कुछ दूसरे लोगों ने कुछ इस तरह के संकेत दिए थे कि सितंबर अक्टूबर तक ये सरकार गिर सकती है, जा सकती है। और इधर राजस्थान का प्रकरण चल ही रहा है और राजस्थान के प्रकरण से पहले मध्य प्रदेश का प्रकरण हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रकरण से पहले कर्नाटक का प्रकरण हुआ है। तो एक सीरीज है, एक ट्रेंड है विरोधी दलों की सरकारों के गिरने का और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी करने का। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस ने JDS का मुख्यमंत्री बनवा दिया था, जिसकी केवल 37 सीटें आई थी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस और NCP ने शिवसेना को कहा कि आप मुख्यमंत्री पद लीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए इन 3 दलों ने अपनी सरकारें बना ली। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बेशक
भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस की वापसी हुई थी लोकसभा चुनाव से कोई 6-8 महीने पहले। लेकिन मध्य प्रदेश में वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था, कांग्रेस का कम था। हाँ, 4-5 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को कम मिली थी। लिहाजा वहाँ BSP, SP और कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर के कमलनाथ की सरकार बन गई थी। राजस्थान में अंतर था, यहाँ 72 के आसपास BJP की सीटें थी और कांग्रेस की 99 सीटें आई थी। बाद में 6 MLA BSP के पिछले साल इन्होंने विलीन कर लिए, हड़प लिए, तो अशोक गहलोत की सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार चली गई क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के भीतर अंदरूनी फूट थी, अंतर्कलह थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इंसाफ नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। जब राज्यसभा की सीट की बात आई तो वो भी नहीं दी गई, लिहाजा उन्होंने बगावत कर दी। उनके समर्थक 22 MLA ने बगावत कर दी, वहाँ की सरकार गिर गई। अब उद्धव ठाकरे के मन मस्तिष्क में ये सब चीज़ें तो चल ही रही होंगी कि भाई कर्नाटक की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश की चली गई, अब राजस्थान में भी लगभग वैसा ही मंजर है। सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 दूसरे विधायकों ने बगावत कर रखी है, वो दिल्ली के पास मानेसर में एक 5 सितारा होटल में आराम फरमा रहे हैं। और कांग्रेस की हालत ये है कि वो राजस्थान के राजभवन पर तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि कहीं राज्यपाल नाराज ना हो जाएं और राष्ट्रपति शासन इम्पोज ना कर दें। तो राजस्थान को छोड़ कर के पूरे देश में राजभवनों के खिलाफ, राजभवनों के सामने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। अब ऐसे गर्मा गर्मी के माहौल में, जबकि संकट तो कांग्रेस के अपने घर के भीतर का है, बगावत तो कांग्रेस के घर के भीतर हो रही है, और जो इनके मुखिया हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका वाड्रा हों, या दूसरे महासचिव वगैरह हों जिनको राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, वो इस मतभेद को, अंतर्कलह को, फूट को, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को ख़त्म तो कर नहीं पा रहे हैं। तो ले दे करके एक ही बहाना बचता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकारों को अस्थिर कर रही है, वो नहीं चलने दे रही है, तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सामना में अगर उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू छप रहा है और इंटरव्यू लेने वाले भी उनके राज्यसभा सदस्य और सामना के संपादक संजय राउत हैं, तो ऐसे माहौल में वो पूछेंगे ही उद्धव ठाकरे से कि आपकी सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसको भी गिराने की बात चल रही है। तो चूंकि उद्धव ठाकरे के दिमाग में यही सब चल रहा है कि भाई कर्नाटक में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, अब राजस्थान में गिरा रहे हैं, तो अगला नंबर जाहिर है महाराष्ट्र का ही आ सकता है। तो उन्होंने कह दिया कि, चुनौती के अंदाज में कह दिया कि जिसे सरकार गिरानी है वो गिरा करके दिखाए, सितंबर अक्टूबर का इंतज़ार किस लिए। और उन्होंने और बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि इनको गिराने पटकने में मज़ा आता है, गिराने और पटकने में मज़ा आता है, कुछ को बनाने में आनंद आता है, कुछ को बिगाड़ने में आनंद आता है। तो बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, हम विपक्ष पर निर्भर नहीं हैं। तो ये जो इन्होंने बात कही है कि कुछ को बिगाड़ने में मज़ा आता है और कुछ को बनाने में मज़ा आता है, अगर बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, तो उद्धव ठाकरे को क्या वो दिन याद नहीं आते हैं जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का और उद्धव देवेंद्र फडणवीस का खेल बिगाड़ा था। महाराष्ट्र में तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन्हीं के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, और लोकसभा चुनाव में भी मैक्सिमम सीटें इस गठबंधन को मिल गई थी, विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों को मिलकर के 161 सीटें मिल गई थी। यानी महाराष्ट्र की जनता का जो मूड था वो तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के पक्ष में था। उन्होंने तो कांग्रेस को और NCP को नकार दिया था, कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी, NCP को केवल 54 सीटें मिली थी,
तो इन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस का खेल बिगाड़ा था। तो अब अगर ये भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को खेल बिगाड़ने में मज़ा आता है, तो इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या ये तब भी यही चाह रहे थे और चाह ही रहे थे, सबको पता है कि भाई मुख्यमंत्री या तो मैं बनूं या मेरी पार्टी का कोई शिवसैनिक बन जाए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को इन्होंने कोई वचन दे रखा था। तो आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री के दफ्तर पर कब्जा करना था, ये इनके इन प्रकार। उसके लिए चाहे बेमेल गठबंधन करना पड़े, विचारों की साम्यता हो या नहीं हो। अब कांग्रेस की और एनसीपी की क्या विचारधारा रही है, कौन से सिद्धांत हैं, वो मुस्लिम परस्ती के बल पर जो है वो आगे बढ़ते रहे हैं या वोट पाते रहे हैं, ये ठेठ हिंदुत्ववादी पार्टी है शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी का भी रंग रूप वही है, और इसीलिए इनकी ढाई दशक तक, तीन दशक तक दोस्ती भी चली, बाला साहब ठाकरे के समय से ही बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन इन्होंने ना वैचारिक कोई तालमेल, ना सैद्धांतिक, ना नीतियों के आधार पर, और मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से दोस्ती कर ली और अपनी सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। और अब उल्टा कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी का खेल बिगाड़ने में ही आनंद आता है तो वो बिगाड़ लें, उन्हें परवाह नहीं है। तो कहीं उद्धव ठाकरे को ये आभास तो नहीं हो गया है? पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी आई थी कि जो विधायक हैं तीनों ही दलों के, उनमें कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें असंतोष पनप रहा है। अब जाहिर है, जिसको मंत्री नहीं बनाया है, जिसको मलाईदार विभाग, निगम या कॉरपोरेशन नहीं दिए हैं, जिनको दूसरे लाभकारी पद नहीं दिए हैं, उनमें नाराज़गी होगी। और उस तरह की अगर नाराज़गी की खबरें आई हैं, और तीनों दलों का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें भी कुछ कुछ समस्याएं तो चल रही हैं। अगर समस्याएं नहीं होती तो अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट जाकर के मातोश्री उद्धव ठाकरे से परामर्श नहीं करते, बातचीत नहीं करते, घंटों बातचीत नहीं चलती इनकी। और कई मुद्दे थे जिनके बारे में बाला साहब थोराट ने भी, अशोक चव्हाण ने भी, कुछ दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने भी मीडिया तक में बयान दिए थे कि ये इशू हैं, और हमें तो बुलाया ही नहीं जाता है फैसलों में, हमें शामिल ही नहीं किया जाता है, शरद पवार से ये बैठ कर के बात कर लेते हैं और सारे फैसले ले लेते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी को बार बार एक्सटेंशन दी जा रही थी उसको लेकर भी प्रॉब्लम थी कांग्रेस को, और उनका ये मानना था कि जो उनके मंत्रियों की फाइलें आगे नहीं बढ़ने दी जाती हैं, जो तमाम तरह की बंदिशें लगा दी हैं लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना वायरस के संकट के नाम पर, के इतना तक खर्च कर सकती हैं मिनिस्ट्री, उतना नहीं कर सकती हैं, उसकी वजह भी वो चीफ सेक्रेटरी को मान रहे थे। तो तमाम तरह के मतभेद तो इनके तीनों के बीच में चल ही रहे हैं। तो वो सवाल भी संजय राउत ने पूछा, तो इनका कहना था कि नहीं नहीं, अब गाड़ी पटरी पर आ गई है और ये तीन पहियों वाली सरकार है, रिक्शा आप इसको समझ लीजिए, और बुलेट ट्रेन में और रिक्शा में अगर चयन की बात की जाए तो मैं रिक्शा को चुनूंगा, क्योंकि वो गरीबों की सवारी है, और मैं रिक्शा की ड्राइविंग सीट पर हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, और दो सवारी यानी कांग्रेस और एनसीपी पीछे बैठी हुई हैं। तो हालत ये है कि इस इंटरव्यू से यह खुलकर के फिर से सामने आ गया कि वो भले ही मुख्यमंत्री हैं, भले ही उनकी सरकार में कई तरह की दिक्कतें हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी कई तरह के अंतर विरोध हैं, जो पिछले दिनों शरद पवार के साथ भी इनको बैठना पड़ा, शरद पवार ने भी इनको कुछ नसीहतें दी, कांग्रेस की तरफ से लगातार हो ही रहा है, इनको पहली बार सामना में शरद पवार की बटरिंग करने के लिए उनका इंटरव्यू छपवाना पड़ा, और इंटरव्यू भी छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा इंटरव्यू छपवाना पड़ा। और कांग्रेस नेतृत्व का जो रवैया है शिवसेना के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधान परिषद के चुनाव में भी देख लिया था किस तरह की रस्साकसी हुई थी।
तो उसके चलते और कोरोना वायरस का संकट जो इनका इनके प्राण पिए जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केस 4.25 लाख हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर इनको लगता है कि इन 3 स्टेट में अपना मिशन सरकार गिराऊ अभियान अपना पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना होना हो महाराष्ट्र ही हो, और इनको पक्का यकीन है कि होगा। तो इसलिए पहले से ही पेशबंदी करना शुरू कर दीजिए और कह दीजिए कि भाई अगर गिरानी है तो गिरा लो, सितंबर अक्टूबर का इंतज़ार क्यों कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो समय इनको अब तक मिला है बतौर मुख्यमंत्री, ये परेशान हो गए हैं। इनको लगता है कि ये कोरोना जो संकट है, 4.25 लाख लोग अगर पूरे महाराष्ट्र में अब तक संक्रमित हो गए हैं, तो ये कोई छोटा मोटा संकट तो है नहीं। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इनके इनकी सूझबूझ पर, इनकी कार्यक्षमता पर बतौर मुख्यमंत्री सवाल खड़े होंगे कि बाकी के प्रदेशों में जिनकी आबादी महाराष्ट्र से 1.5 गुना 2 गुना तो है ही, वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ क्यों नहीं निर्मित हुई हैं कि महाराष्ट्र में ही इतने केस बढ़ रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पर्दे के पीछे की भूमिका होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और चूंकि सियासत है और सियासत में सब जायज़ माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो अतीत में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल करते रहे थे, सत्तारूढ़ दल करते रहे थे, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने दिया था, वहाँ पर कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया था, अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुमत मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया कांग्रेस ने, तो फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो या विरोधी दल हो, वो किस मुँह से इस बात का शिकवा शिकायत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कर्नाटक में भी सरकार गिरा रही है, मध्य प्रदेश में भी गिरा रही है, राजस्थान में भी गिरा रही है। तो भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आपने ऐसे ही कर्म कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो सवाल वही है कि आप कहाँ से आप उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो सद्भावना दिखाएंगे। तो आप झेलिए, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो के नीचे मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।